ओम शांति। ये बंबई का 2 जनवरी 1964 का प्रातः क्लास है। रिकॉर्ड चला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जिसको मात पिता कहते हो तो जरूर फरमान तो पिता ही करेंगे। भले ये मात पिता कंबाइंड हैं, यही मुश्किल बात है। जो मनुष्यों को समझना बड़ा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है समझना? कि वो कंबाइंड मात पिता कौन है। और उन दोनों कंबाइंड माता पिता में से फरमान करने वाला कौन है? जिसके फरमान बरदार बच्चे हैं, किसको कहते हैं माता पिता? तुम मात पिता, हम बालक तेरे। यही मुख्य बात यहाँ समझने की है। ये निराकार को यानी परमपिता परमात्मा को, जिसको फिर पिता कहा जाता है, उसको ही फिर माता भी कहें, ये वंडरफुल बात है। और समझने की भी यही मूल बात है। ये भी समझ आती है कि जबकि परम पिता मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता तो जरूर चाहिए। इस बात को अति गुह्य समझाते हैं। कभी भी कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये नहीं आएगा, सिवाय तुम अनुभवी बच्चों के। कि कोई की बुद्धि में बैठाने के लिए बहुत टाइम कोई को लगे, जबकि अच्छी तरह से समझ जाएं कि ये माता पिता हैं, जबकि सबका बाप है तो सबकी माँ भी तो जरूर चाहिए। और वो बाप है निराकार। निराकार बाप हुआ तो फिर माँ किसको रखें, किसको पकड़ें? कोई शादी तो किया हुआ नहीं होगा। ये सभी बातें बहुत समझने की हैं। और ये तो है अति गुह्य बात समझने की। फिर ये नए तो इतने मुश्किल से समझेंगे, और इन पुराणों में भी कोई मुश्किल ही इस बात को समझते हैं। और समझ करके फिर ऐसा स्मृति में रहता है।
बच्चों को तो स्मृति में रहे ना। किसको बच्चा हो, कोई भी हो, 5 बच्चे हो, 10 हो, माँ बाप की स्मृति में तो जरूर रहेंगे ना। भारत में तो खास ये पुकारते हैं, जैसे अभी गीत सुना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अभी ये अक्षर तो बड़ा वंडर है, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण को माता पिता कह देते हैं, कभी राधे कृष्ण को भी कह देते हैं, क्योंकि भारतवासी हैं तो ब्लाइंड फेथ वाले, ब्लाइंड फेथ की पूजा करने वाले। अरे राधा कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, उनको तो कभी कोई जट बुद्धि भी, उल्लू पाजी भी हो, वो भी ऐसे नहीं कहेगा कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, या तुमेव माता च पिता तुमेव, क्योंकि मंदिरों में जाकर गाते तो है ना। राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, गाते हैं। अब राधा कृष्ण तो बचपन का नाम है, उनके बचपन की ही पूजा होती है मोस्टली। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे या राधे कृष्ण के मंदिर में भी जाएंगे तो उन साधारण श्रद्धालुओं की एक टेव पड़ गई है, बोलेंगे तुमेव माता च पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे। परंतु ये बातें तो बिल्कुल ही न्यारी हैं। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को तो माता पिता कहा ही नहीं जाता है, लक्ष्मी नारायण को ही कह सकते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे माता पिता कहें, वो कहें माता पिता और फिर सुख घनेरे, तो मनुष्य समझते हैं कि जिसके पास संपत्ति बहुत है, धन बहुत है, तो कहते हैं ये यहाँ ही स्वर्ग है। जिसके पास धन है, बहुत मेल है, तो जरूर समझेंगे इस माता पिता से, जिसके पास हमने जन्म लिया है बहुत सुख है। परंतु वो सुख क्यों मिला? क्योंकि उन माता पिता ने भी आगे जन्म में कुछ अच्छा कर्तव्य किया है, उन्होंने भी जरूर कोई अच्छा कर्तव्य किया है, तो कहते हैं हमको ऐसे साहूकार घर में जन्म मिला, तो फिर भी तो कर्म की बात आ जाती है ना। और ऐसे कर्म किसने सिखाए, कब सिखाए? अच्छा यहाँ जो कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, अब ये बच्चे जानते हैं, इस सारी दुनिया में कभी भी कोई समझ नहीं सके कि एक जो परमपिता परमात्मा है, जिसके हम सभी बच्चे हैं,
जो रचयिता है, भले अगर कोई कह दे बच्चे हैं, जैसे वो निराकार है, वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं, पर बात ये आती है कि निराकार सृष्टि कैसे रचते हैं। सृष्टि तो साकार है, जरूर माता पिता बगैर तो सृष्टि नहीं रची जा सकती। तो देखो इस समय सृष्टि रचने का ये वंडरफुल टाइम है, क्योंकि एक तो परमात्मा रचयिता है जरूर, पर वो रचयिता होगा जरूर नई दुनिया का, जिस नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे तो नहीं है, उसको कोई रचयिता कहेगा जो पुरानी दुनिया रचते होंगे, ये भी तो नहीं है। तो जरूर उनको पुरानी दुनिया में आना पड़े, और आकर के नई दुनिया रचनी पड़े। दो जनवरी 1964 की वाणी का दूसरा पेज। तो वो रचयिता पुरानी दुनिया में आकर के नई दुनिया कैसे रचते हैं, ये कोई भी नहीं जान सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ हैं उनको भी इस समय ये स्मृति में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, जबकि बरोबर है उनकी संतान, तो याद तो करना चाहिए ना। याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि ये वंडरफुल बात है ना, वो तो कामन बात है। माता पिता को जो अलग है, बाप अलग है, माता अलग है, और बच्चे यहाँ देखते हैं कि ये माता पिता है, कंबाइंड है, ये एक बड़ी गुह्य बात है कि निराकार को हम कह देवे सृष्टि का रचयिता, और वो है भी जरूर। सबका बाप भी जरूर है, ये बात भी तो जरूर है ना। परंतु माता कहाँ से आती है, क्या होता है, अभी विचार करेंगे। तो जब अज्ञान काल में थे तब तो कुछ पता नहीं पड़ता था, ऐसे ही बोलते थे जैसे सभी बोलते हैं। अभी बच्चे तो बिल्कुल अच्छी तरह से जान गए, तो बड़ी गुह्य बात है, बड़ी वंडरफुल बात है कि निराकार को माता पिता रचना है जरूर। माता भी चाहिए, बाप खुद बैठ करके समझाते हैं, समझाने वाली माता नहीं है, बाप है, समझाते हैं कि मैं कैसे अडॉप्ट करता हूँ, क्योंकि वो पेट से तो निकलने की बात नहीं रहती है। ये तो बुद्धि रूपी पेट से निकलने की बात है,
और गाया जाता है ब्रह्मा के मुख कमल से बहुत बच्चे रचे। यानी स्त्री से रचे। किसने? बाप को ही कहा जाता है। स्त्री से बाप को बहुत बच्चे, तो कैसे रचते हैं? कहते हैं मैं आता हूं, मैं निराकार साकार सृष्टि पर आता हूं, इस शरीर को धारण करता हूं, धारण करके फिर इनके मुख द्वारा जिसका नाम प्रजापिता रखता हूं, परंतु वास्तव में ये मनुष्य सृष्टि का रचने वाला पिता भी है तो माता भी है, जिसके मुख से मैं बच्चे रचता हूं। मनुष्य कुख से बच्चे पैदा करते हैं और मैं मुख से अडॉप्ट करता हूं। इस रीत से बच्चे अडॉप्ट करना सिर्फ बाप का काम है, सन्यासी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अडॉप्ट करते हैं परंतु वो कहे जाते हैं फॉलोअर्स, जिज्ञासु, शिष्य, चेले कहे जाते हैं। उनके नाम भी ये पढ़ते हैं। ये तो हुई रचना की बात, तो बाप ही बैठ करके समझाते हैं और कोई इन बातों को समझा नहीं सकता। तो बाप बैठ कर से समझाते हैं बच्चे, मैं इन द्वारा इन कह के बहुवचन क्यों कर दिया, इस द्वारा क्यों नहीं कहा? क्योंकि सृष्टि की हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली दो ही आत्माएं हैं, राम और कृष्ण। इनमें प्रवेश करके फिर ये मुखवंशावली रचता हूं। कब प्रवेश करता हूं? है इनमें माने इन दोनों में जो कंबाइंड है, भारत में अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनमें प्रवेश करके फिर मुखवंशावली रचता हूं। जो वंशावली कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो सन्यासियों की मुखवंशावली नहीं, यहां की बात है। दुनिया में तो गोद लेते हैं, यहां तो मुखवंशावली है, तो यहां माता भी सिद्ध होती है। ये है माता। कौन? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया?
ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। 64 की वाणी है, जिसके बाजू में बैठ करके निराकार बाप वाणी चलाते, जिसे मुरली कहा जाता, शास्त्रों में वेदवाणी कही जाती, और पिता सिद्ध होता है वो, ये नहीं वो कह के दूर क्यों कर दिया है, कि सब माता के लिए कह दिया ये है और पिता के लिए कह दिया वो, क्यों? क्योंकि 64 में पिता नहीं प्रत्यक्ष हुआ, वो तो 76 की बात है, जबकि ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता वर्ष बाप का मनाया गया। तो पिता वो सिद्ध होता है, माता ये सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें प्रवेश करके रचते हैं, जिसमें रचते हैं तो ये बुड्ढा प्रजापिता भी हो गई। प्रजापिता भी हो गई तो माता भी हो गई। कौन यह माने? ब्रह्मा। प्रजापिता कैसे हो गई? क्योंकि आदि वाला प्रजापिता, जिसे शास्त्रों में परम ब्रह्म कहा गया है, मध्योनि परम ब्रह्म, मम योनि परम ब्रह्म, उसके चले जाने के बाद उसका टाइटल इन ब्रह्मा को मिल जाता है। तो वास्तव में ये माता भी हो गई, क्योंकि सही में बुद्धि है ना। कौन है? सही में माना वास्तव में बुद्धि है ना, है कब की बात है? 64 की बात। उस समय बुड्ढी के हैं, नौजवान के हैं, हैं? बुड्ढी तो थी ना। कौन? ब्रह्मा। तो बताओ बहुत बच्चे किसके होंगे? अभी बच्चों को माता पिता को जरूर याद करना पड़े, उनका नाम बच्चों ने रख दिया है तो ला मुजीब, ऐसे भी कहा जाए कि बाप और दादा कंबाइंड कौन पार्ट बजाते हैं? एक बाप है मनुष्य सृष्टि का, और उस मनुष्य सृष्टि के बाप से पहले पहले बच्चा कौन पैदा होता है? सत्ययुग में वो हुआ दादा, बड़ा भाई, मनुष्य सृष्टि का बड़ा भाई। तो ला मुजीज बाप दादा कहा जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलती है बाप से। किसको है?
दादा को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? बाप से। दादे की प्रॉपर्टी मिलती है ना। ये दादा की तो प्रॉपर्टी नहीं है ना। किस दादा की? ये ब्रह्मा दादा की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना। और तुम बनते हो वारिस दादे की प्रॉपर्टी के। तो वो दादे कब हुआ? बाप दादे। दादे किसे कहा जाता है? ग्रैंडफादर को दादे कहा जाता है। तो ग्रैंडफादर कब हुआ? कहेंगे यज्ञ के आदि में प्रजापिता ही दादे के रूप में हुआ। और ये है दादा। तो इस हालत में उनको बाप दादा भी कहते हो। ये कहना जरूर है, क्योंकि अर्थ है कि बरोबर हमको प्रॉपर्टी कोई पिता ब्रह्मा से नहीं लेनी है। प्रॉपर्टी उनसे लेनी है। किनसे? हैं? बाप से लेनी है। और ये जो दादा है उनको भी प्रॉपर्टी किससे लेनी है? हैं? उनको भी बाप से प्रॉपर्टी लेनी है। कब लेनी है? हैं? हाँ, संगम युग में ही लेते हैं। परंतु 33 में तो वो 33 वर्ष के बाद यज्ञ में चलते चलते69 को तो शरीर छोड़ दिया, तो प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं? है जरूर सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं। दादा भी कहा जाए तो माता भी कहा जाए। किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को। दोनों ही कहा जाए, नहीं तो माता पिता सिद्ध कैसे हो गए? तो हैं जरूर। इन माता पिता बगैर बच्चे कहां से आवेंगे? सिर्फ पिता से बच्चे थोड़े ही पैदा हो सकते हैं, या सिर्फ माता से थोड़े ही बच्चे पैदा हो सकते हैं। माता और पिता दोनों इस सृष्टि पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो बाप भी चाहिए, माता भी चाहिए। मैं गुहे बातें समझाता हूँ और अच्छी तरह से समझने की बात है, धारण करने की बात है और अंदर ही अंदर सिमरन करने की बात है कि ये बरोबर है हमारा बाबा। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहते हैं। तो आप पिता भी हो, इस माता से हमको जन्म दिया और बरोबर हमको वर्षा भी याद आता है। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा।
मिलता ही नहीं है। परंतु माता से जन्म लिया है वो तो याद है ना, फिर भी याद तो वर्षे के लिए बाप को ही करना है, इसलिए बाप खुद भी कहते हैं कि न मम्मा को याद नहीं करना है। ज्ञान से समझा जाता है कि कैसे बाप पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। इसको पराई दुनिया कहा जाता है, जिनमें मैं प्रवेश करता हूं फिर वो हमारा बच्चा भी हो गया, और तुम बच्चों का बाप भी हो गया। किसने कहा है, जिसमें प्रवेश करता हूं वो हमारा बच्चा भी हो गया और तुम बच्चों का बाप भी हो गया? कौन? प्रजापिता। किसने बोला ये वाक्य? शिव बाप ने बोला। और स्त्री होने के कारण तुम बच्चे भी हो गए। कौन हुई स्त्री है? ब्रह्मा। यहाँ ब्रह्मा की तो बात ही नहीं आई। मैं प्रवेश करता हूं फिर वो हमारा बच्चा भी हो गया और तुम बच्चों का बाप भी हो गया। ये नहीं कहा माता भी हो गई। और स्त्री होने के कारण तुम बच्चे भी हो गए। शिव बाप जब परमधाम से आते हैं तो ज्ञान का बीज बोने के लिए किसको निमित्त बनाते हैं? है माता को निमित्त बनाते हैं या पुरुषतन को निमित्त बनाते हैं? माता को निमित्त बनाते हैं। माता में प्रवेश करके ज्ञान का बीज डाला क्या? नहीं डाला। तो ज्ञान का बीज किस में डाला? आते ही प्रजापिता में डाला। इसलिए शास्त्रों में उसे परम ब्रह्म बोला है। तो तुम बच्चे भी हो गए तो सिद्ध हो गए कि हम क्यों गाते हैं, है? क्यों गाते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे, है? संस्कृत में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संस्कृत में त्वम शब्द एक के लिए कहा जाता है या दो के लिए या ज्यादा के लिए? एक के लिए कहा जाता है। तो जिसके लिए कहा गया त्वमेव तो कौन हुआ? शिव बाप हुआ। माता और पिता जब कहते हैं तो साकार में होना चाहिए या बिंदी रूप में होना चाहिए? बच्चे भी साकार और माता पिता भी साकार। बल निराकारी स्टेज वाले हो गए
कौन? पिता भी निराकारी स्टेज में होगा तो बच्चे भी नंबर वार निराकारी स्टेज में टिकेंगे। तो मनुष्य गाते हैं, ये मनुष्य क्यों गाते हैं? शंकर द्वारा विनाश है। ये पिता की बात चल रही थी तो पूछा कि मनुष्य ये क्यों गाते हैं शंकर द्वारा विनाश। ये ड्रामा में नूद है, ये नाम गाए हुए हैं, इसलिए गायन में आते हैं। कौन, किसकी बात हुई है? शंकर की बात हुई, लेकिन वाणी में तो कहा हुआ है जो स्थापना करते हैं वो विनाश भी करते हैं, जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। तो नाम रख दिया शंकर, क्या अर्थ हुआ शंकर का है? शंकर माना मिक्स पार्ट है, क्योंकि तीन देवताएं जो मुख्य रखे हुए हैं यहां भारत में रखे हुए हैं, जिनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तो बरोबर उन द्वारा विनाश भी हो जाता है। किनों द्वारा है? उन्हों द्वारा विनाश भी हो जाता है और नाम भी रख दिया है, क्या? शंकर द्वारा विनाश। एक के द्वारा या तीन के द्वारा है? तीनों की सहमति होती है विनाश में या एक ही होता है? हैं? एक नहीं होता है, तीन होते हैं। कौन कौन तीन हैं? मुरली में बोला है शंकर थोड़े ही कुछ करता है, ये तो सिर्फ गायन है शंकर द्वारा विनाश। श्रृंगार कारिणी कौन गाई हुई है? हैं? शक्तियां गाई हुई हैं। तो महाकाली को शक्ति के रूप में विनाश करते हुए दिखाया है असुरों का। उस महाकाली के मस्तक में चंद्रमा भी दिखाते हैं, इसलिए मुरली में बोला है कि शंकर की जगह मम्मा को रखा होता तो समझाने में अच्छा होता। बाकी ये तो समझते हो, क्योंकि हमारे लिए राजधानी नहीं है, तो विनाश तो जरूर होना है, और विनाश देखते हो कैसे हो रहा है। क्या देखते हो है? अरे 64 की बात है, विनाश देखते हो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, है? 64 में विनाश हो रहा था क्या? हो रहा था है? विनाश नहीं हो रहा था, लेकिन आसार सारे इकट्ठे हो रहे थे, एटमिक एनर्जी तैयार हो गई थी,
और खास भारत में जो महाभारी महाभारत भयंकर विनाश गाया हुआ है उसके आसार तैयार होने लगे। भारत में छोटे से देश भारत में जितने स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं और जितना राज्यवाद के ऊपर झगड़ा चलता है, तमिलनाडु कर्नाटक का झगड़ा, छोटे छोटे स्टेट अलग होते जाते हैं। जैसे बड़े परिवार में से एक छोटा परिवार झगड़ा करके अलग हो जाता है, जितनी जातियां और जातिवाद के आधार पर झगड़ा भारतवर्ष में देखा जाता है इतना और कहीं भी नहीं देखा जाता। जितनी भाषाएं और भाषाओं के आधार पर मुड़फुट टोल भारत में देखी जाती है उतना और कहीं भी नहीं देखने में आता है। जितनी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां जितनी भारत में हैं इतनी और किसी देश में नहीं होती। तो देखते हो ये विनाश कैसे हो रहा है, आसार देखने में आते हैं या नहीं आते हैं, कोई नई बात तो नहीं है ना। ये विनाश तो होना ही है, कब, भविष्य में कि अभी की बात, भविष्य के लिए इशारा दिया, उनके लिए फुल तैयारियां होती जा रही हैं और तुम्हारी राजाई के लिए नई दुनिया तो जरूर चाहिए ना। तुम यहां इतने सब जो ढेर के ढेर राजाई पद पा रहे हो सो तो जानते हो ना, तुम अंधश्रद्धा वाले तो नहीं हो ना, ये तो समझ की बात है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने राजाई करने की पद्धति पढ़ाई हो, राजाई करने का ज्ञान दिया हो। कैसे कंट्रोलिंग पावर हाथ में लेते हैं, वो तो डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, मास्टर बनावेंगे, वकील बनावेंगे और कितने जन्म के लिए बनावेंगे, एक जन्म के लिए बनाते हैं। और बाप कहते हैं एक मैं ही हूं जो राजयोग सिखा करके तुम बच्चों को राजा ही करना सिखाता हूं, मनुष्य से देवता बनना सिखाता हूं। ये पढ़ाई दुनिया में और किसी ने नहीं पढ़ाई, तो तुम अंधश्रद्धा वाले तो नहीं हो ना। भारत का राजयोग तो गाया हुआ है ना, बहुत प्रसिद्ध है। वो सन्यासी लोग विदेशों में जाकर के झूठ बोलते हैं कि हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाने आए हैं, अब वो तो खुद घर घाट छोड़ करके बैठते, वो क्या राजाई स्थापन करेंगे। तो तुम ऐसे तो नहीं हो, कोई तुमको कहे तुम मूर्ख हो, अंधश्रद्धा से जिसने जो कहा सो मान लेते हो। अरे यहां वो तो बात ही नहीं है अंधश्रद्धा की। बाबा खुद भी कहते हैं ऐसे कभी नहीं मानना,
जब तक कि तुमको निश्चय न हो। कैसे है? जो भी ज्ञान की बातें हैं, जो भी भगवान बाप आकर के समझाते हैं या अपना परिचय भी देते हैं, तो उन बातों को ऐसे कभी नहीं मानना अंधश्रद्धा से, जब तक तुमको पूरा निश्चय न हो जाए। ऐसे नहीं कि रामचंद्र की सीता चुराई गई, सुनाते हैं ना कथा में, सुनने वाले कहते हैं सत्य वचन महाराज, अरे एक तरफ राम राज्य का इतना गायन करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं राजा राम की ही सीता चुराई गई। यथा राजा तथा प्रजा वाली बात हो जाती है। दिखाते हैं कि रावण चुराया गया, सो भी इतना बड़ा बड़ा रावण बनाते हैं, वर्ष वर्ष और ही बड़ा बनाते जाते हैं। कहां की यादगार है? कैसे है? अरे भक्ति मार्ग का रावण राज्य है, उसकी शूटिंग करने वाले भी तो ब्राह्मणों में ही होंगे ना। रावण ब्राह्मण था या नहीं था? ब्राह्मण ही था। वो रावण भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा सिखाता था, अज्ञान सिखाता था, तो ये बेसिक और एडवांस की बात है। अभी भी बेसिक ब्राह्मणों में अंधश्रद्धा सिखाई जा रही है। राम की सीता को चोरी करके रखा हुआ है, जितना जितना एडवांस का नाम वाला होता जाता है। भक्ति मार्गीय रावण राज्य भी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भक्ति के उतने बड़े बड़े आडंबर है, बड़े बड़े प्रोग्राम रखता जाता है। तो हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है ना। फिर दिखाते हैं कि हनुमान की पूंछ को आग लगाई तो लंका जला दी। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया रावण की लंका है, सारी दुनिया में किसका राज्य है? राम का राज्य तो नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर रावण के लंका में बैठे हुए हैं। हनुमान की पूंछ को दिखाते हैं, और कृष्ण को किसकी पूंछ दिखाई है? हैं? मोर की पूंछ दिखाई है। अरे कहां बंदर की पूंछ और कहां कृष्ण के लिए मोर की पूंछ दिखाते हैं। आज भी मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं। क्यों? उसकी पूंछ दुखदाई होगी क्या? हैं? अरे मोर की पूंछ तो बड़ी मुलायम होती है,
दुखदाई होती है क्या? नहीं। मोर को विकार से बच्चे पैदा करते हुए दिखाते हैं, देखते हैं क्या कोई? नहीं। मोर आज की दुनिया में भी निर्विकारी पक्षी है। श्रेष्ठ इंद्रिय आंख से आंसू पी करके बच्चे पैदा होते हैं मोर को। वो भ्रष्ट इंद्रियों से बच्चे पैदा नहीं करता। और बंदर, बंदर का काम विकार कैसा होता है? घड़ी घड़ी विकार में जाता है या कभी कभी जाता है? घड़ी घड़ी जाता है। तो देखो, शास्त्रों में दिखाई दिया है, कहां की यादगार है? ये संगम युग की ही यादगार है। कि भगवान ने ह्यूमन बंदरों की सेना ली और उन बंदरों का सेना नायक हनुमान को दिखाया है। उस पूंछ में काम विकार की आग लगा दी। जितना भी तेल था नगर में, तेल शुद्ध होता है या घृत शुद्ध होता है? ईश्वर के ज्ञान को घृत कहेंगे या तेल कहेंगे? घृत है। तो रावण की लंका में जितना भी तेल था, अज्ञान का मिक्स किया हुआ तेल, वो सारा तेल उसे पूंछ में बांध दिया गया कपड़ों के साथ। कपड़ा किसको कहा जाता है? कपड़ा तो शरीर को ही कहा जाता है। और लंका में जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे, सुंदर वस्त्र स्त्रियों के कहे जाते हैं या पुरुषों के कहे जाते हैं? है हाँ, जो भी कन्याओं माताओं के सुंदर सुंदर वृक्ष थे, वस्त्र थे, देह अभिमान रूपी भी वस्त्र थे, क्योंकि इस दुनिया में तो सब देह अभिमानी ही है। उन सारे वस्त्रों को हनुमान की पूंछ में बांध दिया गया। कुछ चैतन्य जो वस्त्र थे उनकी बुद्धि किस में लटक गई? हनुमान की पूंछ में लटक गई और उसमें आग लगा दी। तो दिखाया है लंका सारी जग जल गई और रावण कुछ नहीं कर सका। हनुमान का कुछ बिगाड़ सका क्या? नहीं। तो बाप कहते हैं हाँ, ये भक्ति मार्ग में बिना समझे सत्य वचन महाराज कहते रहते हैं। तो तुम बच्चे ज्ञान की समझानी लेते समय कभी ऐसे नहीं कहना सत्य सत्य सत्य, जब तक तुम्हारी बुद्धि में बात अच्छी तरह से न बैठ जाए। ये सत्य सत्य बिल्कुल नहीं करना, कभी भी नहीं करना। अगर ना समझो तो अच्छी तरह से पूछो, बार बार समझो। अगर नहीं समझेंगे तो बेसमझ के बेसमझ रह जाएंगे, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि रह जाएंगे। और फिर तुच्छ बुद्धियों को पद भी नहीं मिलेगा। तो हर एक बात अगर कोई न समझते हैं तो समझें।
तो समझाते हैं कि आगे जो कुछ भी सुनते आए हो भक्ति मार्ग की बातें, ये सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। आगे माने कब, कब सुनते आए हो? आगे, आगे माने पीछे की बातें, कब की बात है? अरे कल पहले की बात, भक्ति मार्ग की बात। हाँ, भक्ति मार्ग की भी बात है, वो तो हद की बात हो गई। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक में जो सुनते आए हो वो सब क्या है? भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कोई फल मिलता है? कोई फल मिला? कोई भी भक्ति करो, तीर्थ करो, जप करो, तप करो, दान करो, बेसिक में कितना दान किया, किया या नहीं किया करने वालों ने? हैं? किया। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख ही मिलता है। उसकी रिजल्ट इस जन्म में या दूसरे जन्म में अल्पकाल क्षण भंगुर मिलती है। देखो, तीर्थ पर भी जाते हैं, बाहर रह करके जाते हैं। अच्छा, तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ समय पवित्र तो रहते हैं ना? ये भी कोई कुछ अच्छा है, वो उस समय पाप नहीं करेंगे। दो दो तीन तीन मास जाते हैं, जा करके थोड़ा दान पुण्य करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनको उस दान की एवज में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। जिसको ही फिर मिला करके कहा जाता है काग विष्टा समान सुख, और वो है भी बरोबर। बच्चे जानते हैं, इन बातों को समझ सकते हैं, बुद्धि तो है ना? अभी कोई बंदर बुद्धि तो नहीं है ना? पहले क्या थे? पहले बंदर बुद्धि थे, अभी तो बाप ने आकर के लक्ष्य दिया है बंदर से मंदिर लायक बनना है। अभी तो बंदर से मंदिर लायक बुद्धि बन रही है। जो भी अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है, उनको कहा ही जाता है आयरन एज पत्थर बुद्धि। और जो समझ जाते हैं उनको कहा जाता है पारस बुद्धि। तो बरोबर सचयुग में पारस बुद्धि रहती थी, क्योंकि पारसनाथ और पारसनाथनी का राज्य था। किसका राज्य था? पारसनाथ माने क्या है? पारस माने पारस पत्थर का क्या कहने है? पारस पत्थर से लोहे को भी टच कर दिया जाए तो सोना बन जाता है, ऐसे कहते हैं ना? परंतु ये बात कहाँ की है? हैं? बाप आकर तुम बच्चों को जो पत्थर से पारस बुद्धि बनाते हैं, और जब तुम्हारी पारस बुद्धि बन जाती है, निराकारी स्टेज बन जाती है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाते हो,
तो जो भी तुम्हारे पार्श्व में आकर के बैठते हैं, पार्श्व माने बगल, और पारसनाथ कहते हैं स्पर्श करने से ही जो चेंज हो जाए, दृष्टि से दृष्टि मिली और परिवर्तन हो गए, कानों से दो शब्द सुने और परिवर्तन हो गया। क्या बोला व्यक्तवाणी में है, कैसे तुम बच्चों के द्वारा प्रत्यक्षता होगी? जो कानों से सुनेंगे, जो आंखों से देखेंगे, उनके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। तो ये स्पर्श की बात हुई ना, कान से शब्दों को स्पर्श किया, ज्ञान की बातों को स्पर्श किया और परिवर्तन हो गया। दृष्टि से दृष्टि का स्पर्श हुआ और परिवर्तन हो गया। तो सतयुग में पारस बुद्धि रहते थे, सोने और हीरे के महल थे, महल किले को कहा जाता है, ये तुम ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जावेगा जो एक भी असुर उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा, सब देवात्माएं होंगे, और वो देवात्माएं सोने के मिसल सच्चे होंगे या झूठे होंगे? सच्चे होंगे। हीरों के मिसल हीरो पार्टधारी होंगे। अभी तो कोई सोने वोने की बात ही नहीं है। क्या अभी माना 64 की बात है, 64 में ऐसा कोई ब्राह्मणों का संगठन नहीं था, और अभी भी है? अभी कोई ब्राह्मणों का ऐसा संगठन है जिसमें सोने की तरह सच्ची आत्माओं का संगठन दिखाई दे? है नहीं है? और बाप दादा ने क्या बोला था 2004 के आसपास? है तुम बच्चे नई दुनिया में आना जाना करते हो, करते हो या नहीं करते हो? बुद्धि से तो जरूर करते हैं, कोई प्रैक्टिकल में भी करते होंगे। तो इसे साबित होता है कि नई दुनिया का फाउंडेशन उसी समय पड़ गया था। तो 64 की बात बताई, अभी तो पत्थर ही पत्थर हैं बरोबर, परंतु दुनिया में पारस बुद्धि भी तो मशहूर है ना। जैनियों में एक तीर्थंकर का नाम है, क्या नाम है? हैं? पार्श्वनाथ। पारस बुद्धि को पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? ये तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर ये 5 विकार रूपी रावण पत्थर बुद्धि बनाते हैं, और ये हाफ एंड हाफ हैं, तो उनको टाइम तो लगेगा ना। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि में बनाने में टाइम तो जरूर लगेगा। क्योंकि जो पूरे पत्थर बन जाते हैं तो भी तो पत्थर बनने में टाइम तो लगता है ना। तो देखो सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं,
तब पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। जो पारस बुद्धि बन जाते हैं उनको पारसनाथ कहा जाता है, स्वर्ग के मालिक। तो पारसनाथ कहा जाता है, अभी बच्चे उनको जानते हैं, तो बच्चों को ख्याल रहना है, हमेशा याद करना है। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को ये कुछ ज्ञान मिला है, देखो फिर इस ज्ञान को कितना सहज कर देते हैं। फिर माने कब है, 64 में या आगे चल के? हाँ, 64 में तो पक्का पक्का समझते थे कि ये शास्त्र वास्त्र सब झूठे हैं। तो बहुतों की बुद्धि में मुझान पैदा होता था। अभी देखो इस ईश्वरीय ज्ञान को कितना सहज कर दिया है, जो शास्त्रों की बातें भी बुद्धि में आ जाती हैं। तो सहज हुआ ना, तो ये तो तुम समझ गए हो ना, ये बहुत ही रोज रोज समझाते हैं, कितना समझाए करके कितना समझाएं। अच्छा, ओम शांति।